जय हिंद। बोल कैसे आप सब दोस्त। मैं उम्मीद करूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज फाइनली आप सबके लिए वीडियो आ चुकी है आरपीएफ के रिगार्डिंग, आरपीएफ एसआई स्टेटस। गाइज आपको बता दूं भाई, मैं आज आपका भाई नोटिफिकेशन आ चुका है आरपीएफ की तरफ से। आपका जो फॉर्म है एक्सेप्टेड हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है। जो मेरे भाई बहन थे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, आपको पता है गाइज कुछ टाइम पहले आपके जो फॉर्म अप्लाई करवाए गए थे आरपीएफ एसआई के, आपका भाई स्टेटस जारी कर दिया है भाई इन्होंने आरपीएफ की तरफ से। आ चुका है कि आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है फिर रिजेक्टेड है। गाइज आपके फॉर्म को यहाँ पे भाई आरपीएफ वालों ने तीन टाइप में रखा है। गाइज मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे किस प्रकार से बात कर रहा हूँ। गाइज देखिए, अटेंशन टू द कैंडिडेट्स, सीएन नंबर आपका दिया जाएगा। गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, अगर आपका दोस्तों फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड है तो भाई आपका फॉर्म एक्सेप्टेड है, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है दोस्त। आप आपका जो एडमिट कार्ड है 110% आएगा। आप अपने सिलेबस की तैयारी कीजिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और गाइज एक भाई यहाँ पे रखा है इन्होंने कंडीशनली एक्सेप्टेड, अगर आपका दोस्तों फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्टेड है तो भाई आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, ज़्यादा नहीं आई है। आपका फॉर्म यहाँ पे भाई, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको भाई साथ में यहाँ पे लिख के आएगा कि आपका फॉर्म जो है हम रिजेक्ट किस वजह से कर रहे हैं। अगर आप भाई आप उनकी कंडीशन को फॉलो करते हो, जो भी मतलब वो बताएंगे वहाँ पे लिख के आया होगा भाई, अगर आप उस कंडीशन को फॉलो कर देते हो तो भाई आपका फॉर्म भी एक्सेप्टेड हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट गाइज आपका इसमें क्या है दोस्त, आपका रिजेक्टेड है भाई। अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते भाई, रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा गाइज। अगर आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाता है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्टेड है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्टेड है तो गाइज आपको जो भी भाई आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन आया होगा, जो भी उन्होंने रीजन दिए हैं कि आपके फॉर्म में ये मिस्टेक है, तो गाइज आप उसको ठीक करके अपने फॉर्म को एक्सेप्टेड करवा सकते हो। गाइज आपको अपना मेल चेक कर लेना भाई, आपको आपका मेल चेक करते रहना है। आपके मेल पे आज मैसेज आ चुका है, मेरे पास भी 5 घंटे पहले ही आया है, ध्यान दीजिएगा। मैंने चेक कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई जो मेरे पास मेल आया है भाई, मैंने भी अभी चेक किया था यार, है ना। तो आपको भी चेक कर लेना अपना मेल, ताकि गाइज आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो भाई। सबके पास मेल आ गया है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, सबके पास मेल आ गया होगा क्योंकि आज आपके स्टेटस जारी कर दिए इन्होंने भाई, आरआरबी ने आपके स्टेटस आज जारी कर दिए हैं सबके। तो गाइज देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई एक बार कि फॉर्म एक्सेप्टेड रिजेक्टेड का जो मैसेज आ रहा है कैसे आ रहा है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए, आपको आप देख पा रहे हो भाई, यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर सीएन नंबर आपका देंगे यहाँ पे हैज़ बीन प्रोविजनली एक्सेप्टेड, ठीक है। अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर आरपीएफ एसआई एप्लीकेशन। तो गाइज इस प्रकार से आपको मैसेज आएगा भाई, ये मैसेज मुझे आया है, ध्यान दीजिएगा, ये गाइज मैसेज मुझे आया है, आपको भी इस प्रकार से मैसेज आया होगा आपकी मेल आईडी पे। आपको चेक कर लेना दोस्त, आपका जो भी फॉर्म है एक्सेप्टेड हुआ है रिजेक्टेड हुआ है, प्लीज़ चेक कीजिएगा। और जिनका फॉर्म यहाँ पे भाई रिजेक्टेड हो गया है यार, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिनका भी फॉर्म कंडीशनली एक्सेप्टेड है भाई, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हो, अपने फॉर्म को आप एक्सेप्टेड करवा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। और